कासगंज सोरो तीर्थ नगरी को लेकर चल रहे आमरण अनशन को प्रशासन ने ख़त्म कराया। उप जिलाधिकारी और तहसीलदार ने 6 महीने का समय मांगा है। सोरो शुकर क्षेत्र सोरो को उत्तर प्रदेश सरकार समस्त तीर्थ स्थलों की सूची में शामिल किए जाने को लेकर बीते 15 अगस्त से लगातार जारी आंदोलन ने आमरण अनशन का रूप धारण कर लिया था। इसी क्रम में लगातार आमरण अनशन जारी रहा। जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में SDM ललित कुमार ने तहसीलदार अजय यादव के साथ पहुंचकर आमरण अनशन कार्यों से बातचीत कर उनको 6 माह का समय लेकर खत्म करा दिया। रूप से प्राचीन पवित्र स्थान सोरो को तीर्थ स्थल घोषित करने के संबंध में ज्ञापन दिया, जिसे पूर्व में भी प्रेषित किया जा चुका है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसका संज्ञान भी लिया है और उनकी ये मांग है कि इसको हम पुनः प्रेषित कर दें, तो अपने प्रेषित करके इनको सूचित करें। उनका सर आप अभी कह रहे थे कि ये जो है एडमिशन नहीं लिए गलत तरीके से बैठे हैं जी, तो क्या सर क्या गलत है, क्या गलत तरीके नहीं, किसी भी कार्य को किसी भी धरना प्रदर्शन का किसी भी अनशन का किसी भी मांग को उठाने का एक तरीका होता है, तो मैंने उसी के बारे में उनको अवगत कराया कि प्रॉपर अनुमति लेकर के, एक तो कोरोना का समय चल रहा है इसमें वैसे भी महामारी फैली हुई है, तो अगर अनुमति ये लेते तो प्रॉपर तरीके से निश्चित संख्या में निश्चित दूरी का प्रयोग करते हुए मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए इनको अनुमति दी जाती या ना दी जाती, लेकिन इन्होंने इसका पालन नहीं किया। मैंने इससे अवगत कराया इनको कि आपको ऐसा करना चाहिए। धन्यवाद।